क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच ए इक्वल टू थर्टीन मीटर बी इक्वेस टू फोर्टीन मीटर और सी इक्व टू फिफ्टीन मीटर तीन पार्ट हैं इसके तीनों सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में देखो सॉल्यूशन ए की वैल्यू आपको दे रखी है थर्टीन बी की वैल्यू दे रखी आपको फोर्टीन और सी की वैल्यू दे है आपको फिफ्टीन तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका सेमी सेमीपेरीमीटर निकालेंगे वो कैसे निकलता है एस से डिनोट करते हैं उसको इक्वल वन अपॉन टू ए प्लस बी प्लस सी अब आपको क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है वन अपॉन टू ऐसी रखा ए की वैल्यू कितना है थर्टीन प्लस बी कितना है फोर्टीन प्लस सी कितना है फिफ्टीन अब आप तीनों को प्लस कर ले तो तीनों को प्लस करके आ रहा है कितना टू फोर ठीक है आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन मीटर क्या ये है एस एस की वैल्यू क्या है ट्वेंटी वन मीटर सेमी सेमीपेरीमीटर है अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है स्क्वेयर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये फॉर्मूला है इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है तो एस की वैल्यू देखो कितनी है ट्वेंटी वन स्क्वेयर रूट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस ए ए कितना है थर्टीन ब्रैकेट फिर एस यानी कि ट्वेंटी वन माइनस बी बी कितना है फोर्टीन और फिर से ट्वेंटी वन माइनस सी सी कितना है 15. तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट्स को तो ट्वेंटी वन तो ऐसे रहा मल्टीप्लाई इसमें से इसको माइनस करोगे एट बचेगा इसमें से इसे माइनस करोगे सेवन बचेगा और इसको करोगे तो सिक्स अब आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर्स ले लेने हैं ट्वेंटी वन के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे ट्वेंटी वन ऐसी लिखो तो थ्री सेवन जा और सेवन वन जा तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो वही वही लिखेंगे थ्री इंटू सेवन इसी तरीके से एट के लेना आप तो वो आएंगे टू इंटू टू इंटू टू सेवन ऐसे ही रहा और सिक्स के क्या होंगे टू इंटू अब आपको क्या करना है टू टू के पेयर बनाने हैं कैसे देखो टू काउंट करो कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर टू हैं तो इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो फोर के हाफ हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा टू इन टू अब थ्री काउंट करो कितने हैं तो बाहर निकलेंगे तो कितने बचेंगे वन इसी तरीके से तो वो वन टू है तो बाहर आएगा तो सेवन इसको सॉल्व करोगे टू टू जै फोर थ्री जे ट्वेल्व सेवन जी फोर तो एट्टी फोर यूनिट क्या चल रही है मीटर तो मीटर स्क्वेयर ये उस ट्राइंगल का एरिया है तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है अब करते हैं सेकंड पार्ट तो क्वेश्चन में आप देखिए सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू क्या दे रखी है ए की वैल्यू है फिफ्टी टू मीटर फिफ्टी टू सेंटीमीटर बी की वैल्यू कितनी है 56 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर तो सबसे पहले आप क्या करें इसका सेमी पैरामीटर निकाल लें तो एस इक्वल टू वन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अब आपको वैल्यू पुट करनी है तो हाफ तो ऐसी रहा ए की वैल्यू कितनी है देखो ए की वैल्यू है फिफ्टी टू प्लस बी की वैल्यू है फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्सटी इन सबको ऐड करना है आपको तो ऐड करोगे तो कितना आएगा एट और सिक्सटीन कट करोगे तो एट और फोर यानी कि कितना एट्टी फोर सेंटीमीटर ये क्या आया है हमारा एस अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल टू स्क्वास एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी स्क्वायर रूट लगाया एस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 84 है तो 84 ब्रैकेट 84 फोर माइनस ए कितना है 52 ब्रैकेट 84 फोर माइनस बी बी कितना है 56 और 84 फोर माइनस सी सी कितना है 60 तो आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 84 तो ऐसे ही रहा इसको सॉल्व करोगे अगर आप 84 में से 52 माइनस करोगे तो क्या बचेगा टू और थ्री थर्टी टू एन टू इसको करोगे तो कितना बचेगा एट टू और इसको करोगे तो फोर टू अब क्या करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे पहले लेते हैं एट्टी फोर के तो मैं यहां ले रहा हूं एट्टी फोर के प्राइम फैक्टर्स तो टू से फोर्टी टू टू से ट्वेंटी वन थ्री से सेवन और सेवन से वन तो एट्टी फोर को आप क्या लिखोगे टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन इसी तरीके से थर्टी टू के लेने हैं आपको तो मैं यहां ले रहा हूं थर्टी टू के टू से सिक्सटीन टू से एट टू से फोर टू से टू टू से वन फाइव बार्वेंटी टू से फोर्टीन टू सेवन और सेवन से वन टू इंटू टू इंटू सेवन ठीक है अब लास्ट में बचा कितना ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर के यहां ले रहा हूं तो टू से ट्वेल्व टू से सिक्स टू से थ्री और थ्री से वन तो कितने बार इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री ठीक है आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने ऐसे खींच दिया अब आपको क्या करना है टू टू के पेयर बनाने हैं और जो पेयर बन जाएंगे वही बाहर निकलेंगे पहले काउंट करो कि टू कितने हैं को 12 बार लिखा गया है तो जब बाहर निकलेगा तो सिक्स बार आएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्स बार लिख दिया मैंने अब देखो थ्री को काउंट करो वन टू तो बाहर लिखेंगे तो सिर्फ एक बार इसी तरीके से टू बार है तो एक बार अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है ठीक है तो टू टू जो फोर टू जो एट टू जो सिक्सटीन टू जो थर्टी टू टू जो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर तो ये रहा और थ्री सेवन ट्वेंटी वन, मल्टीप्लाई कर लो तो वन ट्वेंटी एट फोर फोर थ्री वन तो हमारा क्या आया है वन थ्री फोर फोर और यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर स्क्वेयर यही हमारा क्या है एरिया है उस ट्राइंगल का ठीक है अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर तो देखो थर्ड पार्ट में मैं इसको पेपर दूसरा ले लूं देखो थर्ड पार्ट में क्या है क्वेश्चन आप देखिए थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है आपको 91 मीटर बी की वैल्यू दे रखी है आपको 98 मीटर और सी की वैल्यू दे रखी है आपको 105 मीटर तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो वन अपॉइंट टू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वन अपॉइंट टू ऐसे ही रहा ए की वैल्यू नाइनटी वन बी की वैल्यू नाइनटी एट और सी की वैल्यू वन जीरो फाइव तीनों को प्लस किया तो कितना आएगा आएगा फोर नाइन टू ठीक है कट करो इसको वन फोर और सेवन तो कितना आया वन सेवन मीटर ये क्या आया है हमारा एस अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अब वैल्यू पुट करनी है बस आपको स्क्वायर रूट एस की वैल्यू कितनी आई थी वन फोर वन फोर सेवन वन फोर सेवन ब्रैकेट वन फोर सेवन माइनस ए ए कितना है 91 वन ब्रैकेट वन फोर सेवन माइनस बी बी कितना है 98 एट और फिर वन फोर सेवन माइनस सी सी कितना है वन जीरो फाइव ठीक है अच्छा वन फोर सेवन तो ऐसे ही आया ये वाला ऐसे ही अब ब्रैकेट सॉल्व करो तो इसमें से इसको माइनस करना है आपको तो कितना बचेगा सेवन में से वन गया सिक्स और फिर फाइव ठीक है अगला देखो क्या है इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा नाइन फोर और अगला माइनस करोगे तो कितना बचेगा टू फोर ठीक है अब चलो इसके फैक्टर्स ले लेते हैं वन फोर सेवन के करते हैं यहां कर रहा हूं मैं वन फोर सेवन के फैक्टर वन फोर सेवन थ्री से देखते हैं तो थ्री से फोर जा नाइन जा सेवन 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 वन तो इस वन फोर सेवन को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन फिफ्टी सिक्स के करने हैं आपको तो फिफ्टी सिक्स के यहाँ लिखते हैं टू से ट्वेंटी एट टू से फोर्टीन टू से सेवन और सेवन से वन तो कितना टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन फोर्टी नाइन के करोगे तो सेवन इंटू सेवन हो जाएगा फोर्टी टू के और कर देते हैं फोर्टी टू के टू से ट्वेंटी वन थ्री सेवन और सेवन से वन तो कितना 2 into 3 into 7. अब आपको क्या करना है पेयरिंग करनी है काउंट करो टू कितने हैं तो वन टू थ्री फोर तो फोर बार टू लिखा है तो बाहर निकलेंगे जब इस स्क्वायर रूट से तो कितने बार निकलेगा टू बार अब थ्री काउंट करो कितने है? वन और टू तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा थ्री फिर सेवन काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बाहर निकलेंगे तो थ्री यानी कि सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन अब इसको सॉल्व कर लो देखो टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व और सेवन सेवन जोटी नाइन सेवन जा थ्री फोर थ्री मल्टीप्लाई कर लो इसको तो सिक्स एट सिक्स थ्री फोर थ्री और आप ऐड करोगे तो सिक्स वन वन फोर ठीक है तो आपका आया फोर वन वन सिक्स और यूनिट चल रही है मीटर स्क्वायर यही आंसर है आई होप आपको समझ में आया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर